एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज भारत में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। कोरोना महामारी से लड़ाई में देश को मिली इस बड़ी कामयाबी के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का मूड जाना, सर्वे करके ये पता लगाने की कोशिश की कि कोरोना महामारी और वैक्सीन को लेकर सरकार के कामकाज को लोग कैसे आंकते हैं। सर्वे से पता चला कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का काम लोगों को बहुत भाया है। इसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगे। एक नहीं, दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार। भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई है जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड, विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती है। देशवासियों को दुष्प्रचार से बचकर रहना है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के टीकाकरण के देशव्यापी अभियान की शुरुआत कर दी है। लेकिन देश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार किस कदर कामयाब रही है, इसका एक अंदाजा लगता है एबीपी न्यूज सी वोटर्स सर्वे में। इस सर्वे में हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि कोरोना से निपटने में मोदी सरकार का काम कैसा रहा। इस सवाल के जवाब में 79.5% लोगों का कहना था कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि केवल 12.5% लोग ही सरकार के कामकाज से खुश नजर नहीं आए। देशव्यापी टीकाकरण की शुरुआत करते हुए आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया कि कोरोना से निपटने के लिए कितने युद्ध स्तर पर काम किया गया। कोरोना पहुंचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क हमारे पास है। शुरुआत में हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर्स सर्वे में लोगों से जब ये पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार का कामकाज कैसा रहा, तो आधे से ज्यादा यानी 51% लोग सरकार के कामकाज से खुश नजर आए। सिर्फ 32% लोग सरकार के कामकाज से खुश नजर नहीं आए, जबकि 17% लोग इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय नहीं रख पाए। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती है और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है। भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड। यही नहीं, सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि वो पीएम मोदी के ओवरऑल कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। जवाब में 71% लोगों ने कहा कि वो पीएम के काम से खुश हैं, जबकि 26% लोग कामकाज से खुश नहीं थे। वहीं 3% लोग ऐसे भी थे जो इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय नहीं रख सके। सर्वे में लोगों से ये भी पूछा गया कि उनकी नजर में पीएम पद के लिए सिर्फ दो लोगों, पीएम मोदी या राहुल गांधी में कौन बेहतर है। 60% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया। वहीं पीएम के तौर पर राहुल गांधी को सिर्फ 26% लोग ही पसंद करते हैं। 7% लोग ऐसे भी थे जो मोदी या राहुल दोनों को ही पीएम के तौर पर नहीं देखना चाहते। वहीं 7% लोग ऐसे भी थे जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जब लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या देश में अभी पीएम मोदी का कोई विकल्प है, तो 35% लोगों का जवाब हाँ में था और 50% का जवाब नहीं था। यानी ज्यादातर लोगों के मुताबिक अभी भी पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है।
15% लोग इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। लोगों से जब भविष्य के पीएम की संभावना के बारे में पूछा गया कि वो पीएम मोदी का विकल्प किसे मानते हैं, तो 26% लोगों ने राहुल गांधी, 22% ने अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया। ममता बनर्जी को पीएम के तौर पर 8% लोग ही मानते हैं, जबकि 44% लोग इनमें से किसी को भी पीएम के विकल्प के तौर पर नहीं मानते हैं। यानी नरेंद्र मोदी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है और लोकप्रियता के मामले में भी वो दूसरे नेताओं के मुकाबले मीलों आगे हैं। सर्वे बता रहा है कि उन पर लोगों का भरोसा कोरोना काल में और पुख्ता हुआ है। तो इस सर्वे की एक बड़ी तस्वीर नजर यही आ रही है कि अभी भी देश का मूड प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के महासचिव तरुण चुग जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सुप्रिया श्रीनेत आपसे ही, ये जो सर्वे है ये इशारा यही कर रहा है, जो एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि देश का मूड अभी भी प्रधानमंत्री के साथ है। आपका सर्वे ये दिखा रहा होगा उसका मैं सम्मान करती हूँ, आपके प्रयासों का सम्मान करती हूँ ये सर्वे का, लेकिन 130 करोड़ के देश का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। हमारी इकोनॉमी सालों में पहली बार रिसेशन में गई है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोविड वैक्सीन तो अब आया है लेकिन कोविड का जो कुप्रबंधन है उसके चलते हम विश्व में नंबर 2 पर हैं। लगभग 2,00,000 लोगों की मौतें हो चुकी है, कोई छोटा नंबर नहीं है। और तो और बहुत सारी बातें हैं, चीन हमारे घर में घुसा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपके सर्वे से सहमत नहीं हूं और मैं लेकिन लोकतंत्र में आपके सर्वे का सम्मान जरूर करूंगी, लेकिन 130 करोड़ की इस जनता में पहली बार ऐसा है कि 2 महीने से देश का किसान उद्वेलित है, भयभीत है और 70 किसानों की शहादत के बाद भी आज प्रधानमंत्री के मुंह से एक संवेदना का शब्द नहीं निकलता है। यह शायद दुख की बात है। आज प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं पसीजता है 70 किसानों की मौत, यह दुख की बात है। यह दुख की बात है कि किसान अपने हक की लड़ाई इस कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे लड़ रहा है और प्रधानमंत्री के मुंह से उसके लिए एक संवेदना। ये तमाम जो आरोप आप लगा रही हैं सुप्रिया, मैं संवेदना जी मैं इसका जवाब लेता हूं। बीजेपी के महासचिव हैं तरुण चुग, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण चुग जी, ये जो सर्वे है उसको सीधे तौर पर सुप्रिया खारिज कर रही हैं। उनका ये कहना है कि ये जो पूरा कामकाज रहा प्रधानमंत्री मोदी का, खास तौर पर कोरोना काल में, उसे पूरी तरीके से वो कुप्रबंधन नाम दे रही हैं। ऐसा है कि मैं सुप्रिया जी को सलूट करता हूं कि पूरे देश की नकारी हुई कांग्रेस के लिए इतनी अच्छी वो वक्ता के रूप में, जिसे देश की जनता ने नकार दिया हो, 70%, 80%, 84% तक लोग जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहे हों, इसके बावजूद वो यहाँ पर आकर उसके लिए कंपेन कर रही हैं, एक झूठ की किताब बोल रही हैं। दुनिया के सबसे अच्छे प्रबंधन के लिए जिस व्यक्ति को और जिस देश को जाना जाता है, हम सब उस देश के नागरिक हैं, वो भी उसकी नागरिक हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इटली का चश्मा उतरता ही नहीं है। उन्हें इटली ही अच्छा लगता है, उन्हें कांग्रेस के एक परिवार से पैदा हुआ बेटा ही प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा लगता है। उन्हें लगता ही नहीं क्योंकि गरीब आकर देश को समेट सकता है और देश को चला सकता है। लेकिन मैं उनको सलूट करूंगा कि उनको अभी भी लगता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का मन बहुत अच्छा है, बीजेपी के प्रति लोगों का मन बहुत खराब है। 1.5 दर्जन से ज़्यादा चुनाव लगातार कांग्रेस आ रही और कांग्रेस एक ऐसी साढ़ सती है, जिसके साथ बैठती है उस पार्टी को भी ले बैठती है। अभी बिहार देखिए, उससे पहले यूपी देखिए, पूरे देश के अंदर ना नेता है, ना नीति है, ना नीति है। लेकिन हमारी बहन बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं उनसे एक बात, भाई साहब प्लीज, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिस नेतृत्व के बारे में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकला, आज देश के अंदर 84% से लेकर 70% तक लोग उस नेतृत्व को शाबाशी दे रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, पहले से ज़्यादा वोट लेकर आई है और अपने दम पर आई है। प्रणब मुखर्जी, जो देश के बहुत बड़े नेता भी हुए, कांग्रेस के नेता भी हुए, राष्ट्रपति भी हुए,
उन्होंने कहा कि चार दशकों में किसी ने प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया है तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन मेरी बहन को नहीं अच्छा लग रहा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत के जवाब दीजिए आपकी व्यक्तिगत तौर पर तो तरुण चुग नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया है, इसलिए मैं भारत की जनता को ठीक है जवाब तो ले लीजिए, आपने इतनी सारी बातें कह दी। सुप्रिया सिन्हा जी, तरुण चुग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर वो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि चलिए कांग्रेस का पक्ष रख रही है, उन्हें बड़ी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आपके चश्मे में दिक्कत है। मेरे चश्मे की चिंता चुग जी ना करें, क्योंकि मुझे राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट ना चुग जी से चाहिए ना इनकी पार्टी से चाहिए। मैं जिस परिवार से हूं, मेरी जो परवरिश है, मैं जो फर्जी राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांध रहे थे, बांटते हैं लोग, मैं आपके बीच में तो बोली नहीं थी, देखिए इतनी तो थोड़ी वो दिखाइए ना, मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ी संवेदनशीलता आप मुझे ही दिखा दीजिए, किसी को नहीं दिखानी, शिष्टाचार दिखाइए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी। तो मुझे राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट भाजपा या भाजपा के किसी भी नुमाइंदे से नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 53 साल तिरंगे झंडे कोई नहीं फहराया। मुझे इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी जो व्हाट्सएप चैट हम सब लोग पढ़ रहे हैं और जो इनके संरक्षित पत्रकार गण हैं, वो तो पुलवामा अटैक को बिग विन अपनी मान रहे थे क्योंकि उनकी टीआरपी बन रही थी, लेकिन बीजेपी से बहुत संरक्षित है। वो कहते हैं वो मंत्रियों को एडजस्ट कर लेंगे, वो उनको देख लेंगे, उन्होंने अपने व्हाट्सएप में लिखा है, तो उसका जवाब भाजपा दे आज, मुझे राष्ट्रीयता का पाठ ना पढ़ाए, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि बीजेपी जीत रही है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद 2017 फरवरी में, और बिहार का चुनाव जो कि मात्र 12,000 वोट का अंतर था एनडीए वर्सेस हमारी अलायंस में, मात्र 12,000 को, और किस तरह से 9-10 सीटें मैनेज करी गई, मैं उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहती हूं। उस बीच में नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोशिशें, ऐसा कौन सा राज्य बचा था जहां पर भाजपा ने पैसा और एजेंसीज को यूज कर निर्वाचित सरकारों को गिराने का भ्रष्टाचार नहीं किया, नैतिकता ये बताएं, पहली बात। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ, कुप्रबंधन की मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब लोगों को आगाह किया जा रहा था सरकार में कि एक बड़ी सुनामी आने वाली है कोरोना की, तब सरकार को नमस्ते ट्रंप करना था, तब सरकार को मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगा। जब लॉकडाउन लगा तो सैकड़ों लाखों मजदूरों को नंगे पैर तप तपाती धूप में चला दिया इस सरकार ने, उसका क्या जवाब है? तो सर्वे से आप बच नहीं पाएंगे, आज देश वाकई में परेशान है, अर्थव्यवस्था आपने उसका दम घोट दिया है, जो बेरोजगारी है वो, ये सारी बातें जो आप कह रही हैं सुप्रिया जी मैं एक मिनट के लिए आपकी सारी बात मान भी लूं, लेकिन ये जो सर्वे है इसमें एक सवाल ये भी था, मैं चाहूंगा उस पर भी जरा गौर फरमाइए आप। इसमें जब ये पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प इस पद के लिए आपको नजर आता है, जनता से जब ये सवाल पूछा गया, और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये 543 जो लोकसभा की सीटें हैं, हर जगह ये सर्वे हुआ है, 30,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की गई, और लगभग ये 3 महीने के दरमियान ये चीजें हुई हैं, यानी करीब 12 हफ्ते के दौरान पिछले दिनों में। तो उसमें एक सवाल ये भी था कि क्या प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी का कोई विकल्प है, 50% लोगों को लगता है कि नहीं, कोई विकल्प नहीं है। सुप्रिया जी, ऐसा है कि आपने खुद ही मेरी सवाल का जवाब दे दिया। 130 करोड़ के देश में 30,000 लोगों का सर्वे हुआ है, तो आप खुद ही बता दीजिए ये क्या परसेंटेज है। सर्वे तो ऐसे ही होता है ना सुप्रिया जी, आपको भी पता है, आप खुद पत्रकार रही हैं, सर्वे होता ही ऐसे है, एक मॉडल होता है सर्वे का, ये संभव नहीं है ना कि 130 करोड़ लोगों से बातचीत हो जाए। बिल्कुल नहीं, वो तो संभव नहीं है, मैं कह भी नहीं रही हूँ, इम्प्रैक्टिकल बात थोड़ी ही करूंगी, पढ़ी लिखी हूँ, पत्रकार रह चुकी, वही मैंने आपको कहा, आपको जर्नलिस्ट रही हैं, तो आप समझती हैं इस चीज़ की, बात नहीं करूंगी आपके शो पर आके। हाँ, तो 130 करोड़ के सर्वे में जो भी आपका 30,000 लोगों का बूंद मात्र लोगों का सर्वे हुआ है, मैं उसका सम्मान करती हूँ, मैंने शुरू में कहा, लेकिन उसमें भी आधे लोग ये कह रहे हैं कि उनका विकल्प है। अगर आधे कहते हैं विकल्प नहीं है तो आधे कहते हैं विकल्प है, तो देश की मूड को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, और देश का मूड बहुत बिगड़ चुका है। आइए, उस 50% विकल्प में कई नेताओं के नाम आ गए हैं, दिक्कत ये भी है, उन तमाम नेताओं में आज तक कभी बनी नहीं। तरुण चुग जी, जरा मुझे ये बताइए, चलिए इसी सवाल को मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो सुप्रिया कह रही है कि इसका एक पक्ष ये भी है कि 50% लोगों को लगता है कि विकल्प नहीं है, तो 50% ऐसे भी है जिन्हें लगता है कि विकल्प है, भले एक नाम पर सहमति ना हो। ऐसा है कि भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसके नेता को, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को, 100 में से 22 लोग वोट करते हैं,
और 78% लोग उनको नकारा मानते हैं। अगर इस सर्टिफिकेट से मेरी बहन सुप्रिया और कांग्रेस को अच्छा लगता है तो उनको अच्छे दिन ही लगने चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी आइडियोलॉजिकल ज्ञान कहां से लेके आते हैं। मैंने तो इनकी राष्ट्रीयता को चैलेंज ही नहीं किया, मैंने तो कहा ही नहीं कि आपके नेता चीन के राजदूत को रात को छुप छुप कर क्यों मिलते हैं। मैंने तो इनसे पूछा ही नहीं कि जब गुपकार के उस गठबंधन में ये गए तो गुपकार के गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि चाइना आएगा और भारत के अंदर आके 370 लागू करेगा, तो इन्होंने इनका नेता जवाब ही नहीं देते। एक तरफ ये गठबंधन करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि चाइना के प्रति हमारा प्रेम है और इनके गठबंधन का नेता भारत में चाइना के आने की बात कर रहा है। बहन चिंता मत करिए, देश बहुत सुरक्षित है, देश बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। आप आज देखिए दुनिया चरमरा रही है, 100 देश हैं जिनकी आबादी लगभग 3 करोड़ है। तरुण चुग जी, और हम अपने देश के पहले टीकाकरण अभियान में कोरोना काल में सरकार का कुप्रबंधन सामने आया है। मैं इस पर बातचीत करूंगा और फैक्ट भी एक में करेक्ट कर दूं कि दरअसल जो 50% ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प है, उनमें से 35% लोग ही ऐसा कह रहे हैं, 15% लोगों ने अपनी राय नहीं दी है, 15% लोग ऐसे हैं जो इस मसले पर अपनी राय नहीं दे रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।